नमस्कार, मैं गिरीश बब्बर एक बार फिर से आपके बीच में। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2024 और आज फिर मैं आपको सहारनपुर की मंडी में लेकर आया हूँ। यहाँ हम जानेंगे सब्जियों के और फलों के भाव। ये सभी थोक विक्रेता हैं यहाँ, ये लहसुन प्याज और आलू के। यहाँ ये आलू के विक्रेता और लहसुन प्याज यहाँ सब इसी शेड के नीचे मिलता है। तो चलो भाइयों, मैं डायमंड का भाव आपको बता देता हूँ। ये डायमंड पड़ा हुआ है और ये डायमंड की गड्डी उतर रही है, आप देख रहे हैं। डायमंड का भाव बताइए। पहले तो मेरा न्यूज चैनल को नमस्कार जी। डायमंड का क्या भाव रहा? डायमंड है 800 रुपए से 1000 रुपए तक। अच्छा, और जो थोड़े बढ़िया 20-50 रुपए पर भी है। अच्छा, आलू की क्वालिटी पर डिपेंड करता है ये उसकी क्वालिटी पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि हल्का भी होता है भारी भी होता है, एडजस्ट आलू करना पड़ता है। ठीक। ये सहारनपुर की मंडी है और ये प्याज लगा हुआ है यहाँ, तो हम प्याज के भाव भी जानेंगे। आज जा रहे हैं मंडी में। मैं आपको बता दूं, सहारनपुर की मंडी जो मुझे लगा दिल्ली के बाद काफ़ी बहुत बड़ी मंडी है ये, और शायद दिल्ली के बाद इसी का नंबर ना आता हो। तो भाई हमारे साथ विजय भाई हैं। विजय भाई, आज आलू का, प्याज का और लहसुन का भाव बताइए। माल की आवक कम है, भाव थोड़ा टाइट है। अच्छा, प्याज भी गया 40 से 48, आलू भी गया 12.5-13 रुपए कट्टे तक चिप सोना। अच्छा, डायमंड भी गया 1050 से 1200 रुपए कट्टा। अच्छा, और लहसुन? लहसुन 180 से 230। अच्छा, इसकी भी आवक कम है? इसकी भी आवक कम है। अच्छा, आवक कम होने का क्या कारण है? बिजाई का टाइम है इस टाइम, बिजाई का समय। अच्छा, बोने का? बोने का समय है। ठीक 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 है विजय। तो भाइयों, ये सब खरीदार हैं, ये खरीदने के लिए आए हैं यहाँ आलू प्याज। और ये भाई देखिए कितनी बड़ी बोरी है, उठा के लेके जा रहा है। असली हीरो तो यही है यहाँ के, जो संभालते हैं और गड्डी भी पूछ लेते हैं हम। ये सभी लोग यहाँ खरीदने के लिए खड़े हैं विजय भाई के चारों तरफ। और विजय भाई, एक सवाल और है आपसे, आज कितनी गड्डी उतरी आलू की? आलू की है 7 से 8 गाड़ी। अच्छा, और प्याज? प्याज की 5 गाड़ी। और लहसुन? लहसुन की 700 कट्टे की आमदनी है। ठीक ठीक है भैया। तो भाइयों, मैं अब आया हूँ मैसर्स रामनाथ अशोक कुमार, दुकान नंबर है अपना A46। और यहाँ मैं अदरक का थोक का भाव आपको बताऊंगा। और ये अदरक की बोरी रखी है बराबर में ही, और इनका अदरक का ही काम है विशेष तौर से। तो आप हैं श्री संदीप कुमार जैन जी। अच्छा संदीप जी, आज अदरक का क्या भाव रहा थोक का? 60 रुपए पर केजी। 60 रुपए किलो। अच्छा, इसकी बोरी का कितना वजन होता है? 55 किलो से लेकर 60 किलो तक। 55 से 60 किलो तक पर बोरी। अच्छा, ये कहाँ का है? बेंगलोर। बेंगलोर। एक पहाड़ी अदरक भी आता है संदीप जी? पहाड़ी आता है। उसका भाव? सेम रेट ही है, लगभग 2-4 रुपए किलो ऊपर नीचे रहता है। अच्छा, वो इससे महंगा होता है थोड़ा? हाँ, इससे थोड़ा महंगा रहता है। अच्छा, खूबसूरती ज्यादा होती है ना, उसमें कलर होता है, इसमें इतना कलर नहीं होता जितना उसको होता है। अच्छा, वो थोड़ा गुलाबी के रंग में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसका भाव क्या है? बस 5 रुपए किलो का डिफरेंस रहता है मोस्टली। वो थोड़ा तेज रहता है? अच्छा, वजन भी उसका इतने रहता है? नहीं नहीं, वो कट्टे आते हैं, ये बोरी आती है, वो कट्टों में आता है 35 किलो 40 किलो 38 किलो 40 किलो, क्रेट में भी आता है वो 20 किलो का। अच्छा, तो संदीप जी लगे हाथ अपना मोबाइल नंबर भी बताइए। 9897061251। ठीक है सर। तो भाई एक बार फिर मैं आपको लेके आया हूँ मुमताज मलिक ट्रेडर्स, दुकान नंबर A64 C78 C60। तो यहाँ हम टमाटर का भाव जानेंगे। और ये अभी गाड़ी उतरी है, बल्कि अभी थोड़ा सा माल इसमें रखा हुआ है, उतर ही रही है। और बाकी टमाटर का भाव हम जान लेते हैं भाई से। ये यहाँ टमाटर की कैरेट्स रखी हैं
और वसीम जी हमारे साथ हैं। वसीम जी, आज टमाटर का भाव बताइए। आज टमाटर बिक गया 1500 रुपए, 1450। 1500, 1450। इतना महंगा क्यों है ये? पीछे बारिश है, माल टूट नहीं पा रहा, बहुत पीछे टाइट है, बाजार टाइट है। बाजार टाइट है बारिश के कारण? जी जी जी। अच्छा, वसीम भाई ने बताया कि वैसे तो देखिए बहुत महंगा बता मतलब है आज का भाव। कल से 100 रुपए ग्रेड महंगी है। अच्छा, आज कल से 100 रुपए ग्रेड महंगी है। कल 1400 का बिका था, आज 1500 रुपए का बिका है। वही ग्रेड, वही माल। अच्छा, तो भाई वसीम ने बताया कि आज कल से 100 रुपए महंगी है एक कैरेट पर।